सारी विरोधी पार्टियां दा पुराना ही चलता हुंदा हैगा, पहले सारे कैंडिडेट खड़े कर देंदे ने, सारे तो पैसे ले लेंदे ने, ओदे बाद दूजा आ जांदा पैसे कठन करे वास्ते। सो ए तां इना पार्टियां दा, बाकी कांग्रेस ने तां लोकां दा पैसा किवें लुटिया, उन्हां दी सहूलतां खो के खजाने नूं किवें लुटिया। ते खास तौर ते जे बठिंडे दी गल करिए तां शायद पहली बारी किसे चीफ सैकटरी ने अपने अपने खुद मंत्री दे उत्ते, जिहड़ा बठिंडे दी नुमाइंदगी का, उन्हां दे उत्ते इल्जाम लाया कि एक्साइज दे पैसे इत्थे उत्थे आमदन क्यों घटी है। सो कई तरह दी चीजां हैगियां, हुण टिकटां दी चक्कर भी इह कर रहे, पहले एक पैसे इकट्ठे कीते होवे तां दूजा करूंगा। पर पंजाब सरकार तां मैम आपदी 4 साल दी उपलब्धियां गिना रही है, सरकार कह रही है आउण वाले दिनां च 50,000 नौकरियां भी देणगे पंजाब दे लोकां नूं। अब देंगे नौकरी, अब तो सरकार के जाने का टाइम हो गया। ये तो पिछले मैनिफेस्टो में सरकार बनाने के टाइम में सरकार ने वादा किया कि घर घर नौकरी देवे, कर्जा माफ करांगे किसानां दा। मैनू हैरानी हो रही कि हुण इन्हां दी सरकार जानू 10-11 महीने रह गए ते हुण कहिंदे ने नौकरियां देणगे। हुण तां चलो अगली सरकार दोगी, इन्हां ने तां की देणियां ने। मैडम किसान ने अज टैक्टर वल्लों कहा जा रहा है कि जिहड़ा किसानां दा मोर्चा है इह लीडरहीन हो चुका, नहीं हल तां पहला ही हो जाणा सी। किसानां दीआं मंगां ते अद्धे घंटे च मान लैणा, लेकिन लीडरहीन हो चुका अंदोलन। बड़े दुख दी गल है कि जानी साहब पुराने अपने पंजाब दे हैगे, पंजाब दी मिट्टी च जमे पले ने, मैं उम्मीद करदी हां पंजाब नाल प्यार भी करदे होणगे ते किसानी नूं चंगी तरह समझदे ने। जे शायद भाजपा च कोई किसानी लीडर मन्निया जाए तां शायद जानी साहब ही होणगे। ते बड़ा दुख होया कि प्रधानमंत्री नूं मिल के आए, लेकिन मिलन तों बाद इह नहीं आके कहा कि चंद घंटियां दे विच जां चंद दिनां दे विच इह पंजाब दे लोकां दी मंग की कानून वापस कीते जा रहे, किन्ने छेती इह वापस होणगे, इहदी कोई गल ना करदे होए हुण किसानां दे ते लोकां दे संघर्ष नूं ही बदनाम करन च इह भी उस पासे तुर गए ने। तो इस तों होर दुख दी गल की है कि एक पासे इहनां दी पार्टी किसानां तों बिना पुछे उहनां दे उत्ते कानून थोपे, जद किसान इहदे खिलाफ विरोध करन तां कदे उहनां नूं माओइस्ट, कदे उहनां नूं नक्सल, कदे उहनां नूं विचोलिए, कदे पाकिस्तान दे एजेंट, कदे चीन दा, ते हुण कहिंदे लीडरहीन हो गए ने। मैनूं लगदा है कि सारे शायद भाजपा दे लोकां दी जमीर ही मर गई हैगी। लोकां दी गल सुनन तों बजाए मैं तां आस करदी सी कि जानी साहब प्रधानमंत्री नूं मिल के उहनां नूं लै के उत्थे टिकरी बॉर्डर च, सिंघो बॉर्डर च लोकां दे विच लै के जाणगे ते शायद प्रधानमंत्री जी नूं सुनाउणगे कि आ देखो लोकी आ कह रहे ने, क्योंकि पता नहीं प्रधानमंत्री ने सही गल। मैम 8 जनवरी नूं फिर मीटिंग होण जा रही है किसानां नाल, लेकिन केंद्र कह चुकी है भी असीं कानून जिहड़े रद्द नहीं करांगे। बिल्कुल नहीं का, मैं तां पहले दिन तों मेरा बयान कढ लो तुसीं, 6 साल इस सरकार दे विच रह के जिन्हां ने 2.5 महीने तां मैनूं जिस तरह किसानां नूं 1.5 महीना खजल कीता है, 2.5 महीने तां मैनूं कहिंदे रहे, लिखत च तां मैनूं भी देता सी, लेकिन अखीर च जद पार्लियामेंट च आई कानून नूं थोपन लगे तां आपां तां भी कहा कि तुसीं सिलेक्ट कमेटी च भेज दो ते जोर जबर दे नाल पास करता। इसी तरह इन्हां ने इत्थे भी कुछ नहीं करना सी, ओह तां नजर ही आ रहा सीगा। लेकिन चलो हमला मारना अपना फर्ज बनता है आज भी, लेकिन ये जिहड़े भुलेखे च ने, एक हरसिमरत कौर दी गल नहीं तुसीं सुनी, कोई गल नहीं, हजारां लखां दे किसानां दी गल तुसीं नहीं सुन रहे, यूनियनां दी गल नहीं सुन रहे, बिल्कुल नहीं हो सकता। जिन्हां ने इस तरह जलील कीता होए कि पहले तो जिहड़ी किसानां दी पार्टी हैगी, बादल साहब वर्गे सीनियर जिन्हां दे तुसीं पैरी हाथ लांदे हो, तुसीं किसानां दे कानून लै के आओ ते किसान दे इन्ने वड्डे लीडर दे नाल तुसीं सलाह मशवरा भी ना करो। जद उहनां दी पार्टी इहदा विरोध करदी है तुसीं उहनां दी ना सुनो। जद तुहाडा आप दा मंत्री तुहानूं दसदा है कि देश भर च किसान दा अंदोलन हो जाऊगा, खड़ा हो जाऊगा कोविड दे समय ते उस किसानां नूं सड़कां च ना उतो, तुसीं उहनां दी गल नहीं सुनदे। बादल साहब पत्र लिखदे रहो, पत्र दा जवाब तां तुसीं नहीं देंदे, ते जिहड़े अपने पंजाब नूं ते अपने लोकां नूं इन्ना जलील कर देंदे ने, फिर इहो जी पार्टी दा हिस्सा बन के आपां की करना हैगा। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ।